लेटेस्ट खबरें सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए तेज खबर 24 को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आपका स्वागत है तेज खबर 24 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ प्राची। रविवार की देर शाम मौसम में अचानक आई परिवर्तन के बाद शुरू हुई बारिश के बीच आकाशीय बिजली कहर बनकर गिरी है। यहां दो अलग अलग जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने से 23 मवेशियों सहित एक युवक की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल बताए गए हैं। गड्डा शहर से सटी बिछिया के ग्राम कोठी सहित सुहागी के सोनौरी गांव की है। जानकारी के मुताबिक रविवार की शाम शहर के बिछिया थाना क्षेत्र के ग्राम कोठी में आकाशीय बिजली गिरने से 5 लोग उसकी चपेट में आ गए, जिनमें से एक की मौत हो गई जबकि 4 घायल, 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जाता है कि ग्राम कोठी निवासी इंद्रमणि साकेत अपने साथी उमाकांत साकेत, पंकज साकेत व 2 अन्य लोगों के साथ खेत में काम कर रहा था। उसी समय आकाशीय बिजली गिरने से चपेट में आए इंद्रमणि साकेत की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में दाखिल कराया गया। इधर गाज गिरने से दूसरी घटना जिले के सुहागी थाना क्षेत्र के ग्राम सुनौरी की है, जहां आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 23 मवेशियों की मौत हो गई। मैं सोनू साकेत बोल रहा हूँ। ये मेरे भतीजा है, मेरे साढ़ू के लड़का है। घटना ये क्या, आकाशीय बिजली गिरने के कारण उनकी मौत हो गई है। ये कल की है। इसमें 2 लोग घायल हुए हैं, 3-4 लोग थे जी। इंद्रमणि साकेत की मौत हो गई तुरंत।